हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो ये हम 189 चैप्टर नंबर 11 का ट्राइडीज में है, तो इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। ये आपका मेनली वॉल्यूम के ऊपर है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर्स, तो यहाँ पे आपको इस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका देखिए आप रेडियस जो दिया है ये 7 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। सेम वे आप इसका हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है। ये जो आपका सिलेंडर है इसका जो सरफेस का एरिया है, पाई आर स्क्वायर और उसके साथ आप एच को मल्टीप्लाई करेंगे उसका हाइट को, ठीक है। तो फिर आपका निकल जाएगा इसका वॉल्यूम, क्या निकल जाएगा? दैट विल बी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू कितना है? पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7 इज द पाई का वैल्यू। अब आर कितना है? 7 है। आर स्क्वायर बोला है तो 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर 49 आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। और फिर h, h के जगह पे हम लिखेंगे 10, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 के साथ 7 कट गया, तो बाकी कितना बचा आपका? 22, 7 और 10। 22 के साथ 7 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा आपका? 7 × 2 = 4 हो गया, ठीक है। एक बचा तो 7 × 2 = 14, 15, यानी कि 154। और 10 के साथ फिर मल्टीप्लाई करने से 1540 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो ये आपका मेनली ये वाला सिलेंडर का वॉल्यूम आपका निकल आया। अभी नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका दिया है जो ये सरफेस एरिया है, ठीक है, ये सरफेस एरिया को दिया है 250 मीटर स्क्वायर, मानी यानी कि ये जो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू उसने दे दिया 250 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 250 मीटर स्क्वायर। अभी आपको वॉल्यूम निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ओके। तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 250 मीटर स्क्वायर। 250 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच, एच यानी कि 2, ठीक है, यहाँ पे 2 है ना, 2 मीटर। तो मल्टीप्लाई करने से कितना होगा? 500 मीटर क्यूब। 500 मीटर क्यूब इज द अल्टीमेट वॉल्यूम है इस सिलेंडर का, ठीक है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा वॉल्यूम को कैसे निकालना है। एक तरफ का सरफेस का आपका सिलेंडर का जो एरिया है वो निकाल के एच यानी कि हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ओके। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।